हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राकेश सर आईटीआई। आज हम ट्रेड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आज हम बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में, जो हमने पहली वीडियो देखी थी उसमें कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसे हम इनपुट देते हैं तो प्रोसेस करके वो हमें आउटपुट देती है। लेट अस ट्राई क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा सीपीयू, ऑप्शन टू। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में हमें क्या बताया गया है वो हमें देखना है। विच लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा कौन सी जो लैंग्वेज है वो डायरेक्टली अंडरस्टूड की जाती है या समझी जाती है। तो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से हमें छांट के बताना है कि कौन सी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टूड की जाती है। तो ऑप्शन वन, तो मशीनी लैंग्वेज को। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है ALU स्टैंड फॉर, ALU का क्या मतलब है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन राइट बनेगा वो हमारा बनेगा टू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है CPU रिसीव्ड डाटा फ्रॉम, CPU डाटा किससे लेता है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा, हमें दे रखे हैं इनपुट यूनिट, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ अबव। तो इसमें जो CPU है वो डाटा रिसीव करता है मेन मेमोरी में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें क्या पूछा गया है वो हमें देखना है। विच यूनिट परफॉर्म्स द लॉजिकल ऑपरेशन, कौन सी जो यूनिट है वो लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन टू, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बताना है विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनमें से कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। जो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो आएगा हमारा कंट्रोल यूनिट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाई देयर इज़ नीड ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो है हमारा ऑप्शन थ्री, स्टोर मोर डाटा। क्योंकि अगर सेकेंडरी स्टोरेज होगी तो हम अपने डाटा को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर एट में हमें ये बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ सेकेंडरी स्टोरेज, कि सेकेंडरी स्टोरेज इनमें से किसके बीच में होती है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा ऑल ऑफ दीज, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है फास्टेस्ट मेमोरी अमंग दीज, इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। रैम, रोम, कैचे, सेकेंडरी एंड नन ऑफ दीज, तो आएगी हमारी कैचे मेमोरी। क्वेश्चन नंबर टेन है ऑन विच प्रिंसिपल कैचे मेमोरी वर्क, कौन से प्रिंसिपल पर जो कैचे मेमोरी है वो काम करती है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो हमारा बनेगा इसमें लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन थ्री। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बताना है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताना है कैचे मेमोरी वर्क्स बिटवीन, कैचे मेमोरी किसके बीच में काम करती है। तो CPU एंड रैम, CPU एंड सेकेंडरी मेमोरी, CPU एंड रोम, बोथ वन एंड थ्री। तो इसमें राइट ऑप्शन है हमारा CPU एंड रैम। ट्वेल्थ क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल का इनमें से कौन सा पार्ट है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो है हमारा ऑल ऑफ दीज। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है USB स्टैंड फॉर, USB का जो पूरा नाम है वो हमें बताना है। तो USB स्टैंड फॉर वो है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 14 है ए USB पोर्ट कैन कनेक्ट मैक्सिमम ऑफ हाउ मैनी डिवाइस, कितने जो मैक्सिमम डिवाइस हैं वो USB से कनेक्ट हो सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है 127। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है
विच पोर्ट इज नोन एज प्रिंटर पोर्ट, कौन से पोर्ट को प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है पैरलर पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 16, SCSI स्टैंड फॉर, SCSI का फुल फॉर्म हमें बतानी है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारा बनेगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या पूछा गया है वो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। इन विच रजिस्टर इंटरमीडिएट अर्थमेटिक रिजल्ट आर स्टोर्ड, तो इनमें से हमें बताना है कि किस में जो अर्थमेटिक रिजल्ट को स्टोर किया जाता है, तो वो हमारा आएगा एक्यूमुलेटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज MIMD, MIMD की हमें इनमें से फुल फॉर्म बतानी है कि इनमें से कौन से वाली सही है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है इसके बाद, द कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल डिवाइस इज, तो CPU और पेरिफेरल डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन लाइन इनमें से कौन सी होती है, बस। उसके बाद अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, विच कंपनी लीड्स द माइक्रो प्रोसेसर बिजनेस, कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बिजनेस को लीड करती है। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है वो है हमारा इंटेल, INTEL। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज कंप्यूटर के कुछ बेसिक 20 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 20 बेसिक क्वेश्चन जो कंप्यूटर के हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।